गुड मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन एसएसटी क्लास में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और वहां पे हमने काफी सारी नई चीजों को सीखा। तो बच्चे, अब हम लोग आज से हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि मैं इसके पहले भी आप लोग को हिस्ट्री के कई क्लास ले चुका हूं, तो चलिए बच्चों, आज मैं फिर आप लोग के सामने हिस्ट्री का एक नया चैप्टर और टॉपिक लेकर आया हूं और हम लोग उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, पिछली क्लास में या जहां जब हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो हमने आपको उस समय तक सांद्रो घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, सांद्रो घाटी सभ्यता, है ना। यहां तक हम लोग काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाई कर चुके हैं। तो बच्चे, आज हम लोग इसके आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बात हम लोग यहां से सांद्रो घाटी सभ्यता के बारे में फिर से कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात, तो बच्चे ये क्या थी, ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, है ना, ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक भारत की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाता था बच्चे, तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था या वैदिक काल भी इसे कहते हैं। ठीक है, किसे माना जाता था आपका, तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को माना जाता था। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई किसकी, तो सांद्रो घाटी सभ्यता की, तो जब इस सभ्यता की खोज हुई तो आपका भारत की सबसे पुरानी सभ्यता होने का दर्जा किसे दे दिया गया आपका यहां से, तो आपका सांद्रो घाटी सभ्यता को दे दिया गया, जो कि पहले किसे प्राप्त था, तो पहले वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को प्राप्त था। लेकिन जैसे ही सांद्रो घाटी सभ्यता की खोज हुई वैसे ही ये श्रेय जो है आपका सांद्रो घाटी सभ्यता को प्राप्त हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी वह सर्वमान्य तिथि के अनुसार 2500 से लेकर के 1750 बीसी, है ना, 2500 से लेकर के 1750 ही पूर्व के मध्य में विकसित हुई थी। जबकि ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता का जो काल आपका निर्धारित किया गया है वह कब से कब तक निर्धारित किया गया है, तो 1500 से लेकर के 600 बीसी के मध्य निर्धारित किया गया है, है ना। यानी कि ये सभ्यता जो थी भारत में वह आपकी 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व या C14 के अनुसार हम लोग चले जाते हैं, कार्बन रेडियम डेटिंग पद्धति के अनुसार जाते हैं, तो 2350 से लेकर कितना तक, 1750 बीसी, है ना, तक ये सभ्यता मौजूद थी। और उसके बाद ये सभ्यता जो आपकी विकसित हुई थी ये आपकी 1500 से लेकर की 600 ईस्वी पूर्व के मध्य तक विकसित हुई थी। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और ये आपकी दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग अब यहां से इसी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता या इसे ही वैदिक काल भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए, वैदिक सिविलाइजेशन, है ना, क्या बच्चे, वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए, तो अब हम लोग यहां से वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इस सभ्यता के काल के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चे, इस सभ्यता का जो काल आपका विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा निर्धारित किया गया है वह है आपका 1500 से 600 बीसी,
है ना, यानी कि ये सभ्यता जो विकसित हुई थी आपकी वह कब से कब तक विकसित हुई थी आपकी, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में विकसित हुई थी। यानी कि इस सभ्यता का आरंभ कब से होता है, तो ये सभ्यता जो है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ होती है और 600 ईस्वी पूर्व के आते आते ये सभ्यता क्या हो जाती है आपकी, समाप्त हो जाती है ना। लेकिन अब देखेंगे बच्चे, यहां से एक बार ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपके यहां से वह 2500 से लेकर के 1750 बीसी के मध्य थी, है ना, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये सभ्यता जो है आपके यहां से 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के बीच में ये जो लगभग 250 वर्षों का गैप था, ये यहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे गैप क्यों रह जाता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझेंगे बच्चे कि देखिए, किसी भी सभ्यता को विकसित होने में कुछ समय में लगता है या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त होने में क्या कुछ समय लग जाता है या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं भी हो पाती है आपकी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी 250 वर्ष जो बीच में गैप है बच्चे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका इस सभ्यता को फलने फूलने में जो समय लगा था आपका, वही ये समय था। लेकिन ये उन्नत रूप में कब आपके निकलकर सामने चली आई, तो 1500 ईस्वी पूर्व में ये उन्नत अवस्था में निकल कर आई और फाइनली 600 ईस्वी पूर्व तक आते आते क्या होती चली गई आपकी, तो ये समाप्त होती चली गई, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे बीच में क्या होता है, तो 250 वर्षों का गैप हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे या इसके बारे में कोई जानकारी जो है विशेष तौर पे नहीं मिलती है, क्योंकि इसका वर्णन ऐतिहासिक स्रोतों में भी नहीं है और ना ही साहित्यिक स्रोतों में है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से वैदिक सभ्यता को विस्तार पूर्वक से देखते हैं। यहाँ से तो बच्चे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसकी काल का निर्धारण किया। तो इसका काल कब से कब तक है आपका यहाँ से, तो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में है, ठीक है। अब इसे क्या किया गया है, तो वैदिक सभ्यता को दो खंडों में या दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से हुए भाग हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा सा उसे। देखिए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसे बांटा गया है, ठीक है। इसका विभाजन क्यों किया गया है, हम लोग इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा सा यहां से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका आपका तिथि क्या है। तो इसकी जो तिथि आपकी निर्धारित की गई है पूर्व वैदिक काल की, वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व या बीसी, है ना। यानी कि पूर्व वैदिक काल की तिथि क्या निर्धारित की गई है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में निर्धारित की गई है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की तिथि क्या निर्धारित की गई है, तो इसके बाद का समय, इसके बाद तो 1000 ईस्वी पूर्व के बाद का समय। तो यहाँ पे 1000 ईस्वी पूर्व रखेंगे और ये कहां तक थी आपकी, तो 600 ईस्वी पूर्व के मध्य तक थी। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, तो उत्तर वैदिक काल की जो तिथि या समय है आपकी, वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यानी कि ये पूर्व वैदिक काल जो था आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक मौजूद थी कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल क्या थी, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में मौजूद थी। हालांकि दोनों ही क्या है, एक ही सभ्यता के अंग है, ठीक है, दोनों एक ही सभ्यता है, लेकिन इसे जो है तिथि अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों के बारे में ही यहां से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा सा हम लोग सबसे पहले इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वह किन लोगों के द्वारा विकसित की गई थी, वे कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया था या फिर इसे बसाने का कार्य किया था। तो देखिए बच्चे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसमें आपके अलग अलग मत प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, कि हाँ ये विकसित करने वाले थे और ये यहाँ से आए थे। हालांकि जिनके द्वारा विकसित किया गया था उस पे सभी इतिहासकारों का मत एक है कि आर्यों ने ही इस सभ्यता का क्या किया था, विकास किया था या फिर इसे बसाया था। लेकिन वे कहाँ के निवासी थे इस पे आपके काफी कंट्रडिक्शंस हैं, इस पे काफी मतभेद है आपके, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इस पर अलग अलग मत
प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहां से जरा बात करते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता के हम लोग निर्माता के बारे में बात करते हैं। तो इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इस सभ्यता के निर्माता थे आर्य। बच्चे इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे आर्य। ठीक है, अब आर्य शब्द का भी अर्थ होता है आपका, तो देख लेते हैं जरा सा। ऐसे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चे? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, या फिर कुलीन भी हम इसे कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या फिर आपका कुलीन है। यानी कि आर्य लोग जो थे वे अपने आप को यहाँ के प्रजातियों की अपेक्षा, यहाँ पे जो पहले निवास कर रहे व्यक्ति थे, या कह सकते हैं कि ये लोग अपने आप को क्या मानते थे? दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते थे, दूसरों की अपेक्षा ऊंचे मानते थे, इसीलिए इन्हें श्रेष्ठ या कुलीन भी कहा जाता है। यानी कि आर्य का अर्थ क्या हो गया? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, है ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ये आर्य लोग जो थे आपके, ये कहाँ के निवासी थे आपके, या कौन थे ये? तो देखिए बच्चे, इस बात को लेकर काफी ज्यादा इतिहासकारों के बीच मतभेद रहे हैं। उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। जैसे अगर हम लोग यहाँ से एक दो मतों को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं मैक्स मूलर के बारे में। मैक्स मूलर बच्चे एक काफी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मैक्स मूलर के बारे में बात करते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार ये जो आर्य थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग और भी इतिहासकारों के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, चलिए इसके बाद हम लोग यहां से देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है ये कहां के निवासी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती है ना, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये लोग तिब्बत के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? तो तिब्बत के। ठीक इसी तरीके से एक और भारतीय के द्वारा अपना मत प्रकट किया गया है, और वे कौन थे? तो वे हैं बाल गंगाधर तिलक, है ना। और इनके अनुसार ये जो थे ये ध्रुवीय प्रदेश के निवासी थे, या आर्कटिक प्रदेश जो है आपका, ठीक है, ये उस प्रदेश के निवासी थे। यानी कि आर्य आपके कहां से भारत में आए, इसे लेकर काफी अलग अलग मत प्रदान किया गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे बच्चे, कि आज से 5-6 महीना पहले जो है आपका एक इन्वेंशन किया गया था आपका यहाँ से। चूंकि हम जानते हैं कि इतिहास में लगातार इन्वेंशन होते रहते हैं, लगातार नई नई चीजों को खोजा जाता रहता है, आपका खुदाई का कार्य होता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं इससे में, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती है। तो हाल फिलहाल की जानकारियों के अनुसार इतिहासकारों ने यह मत प्रकट किया है कि आर्य जो थे ये विदेशी नहीं थे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ठीक है, कि आर्य जो थे ये विदेशी नहीं थे, बल्कि ये भारत के ही मूल निवासी थे। हाँ, ये किया गया है आपका यहां से कि जो आपके इतिहासकार थे, जो पूर्व इतिहासकार थे, खास करके आपके जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं, जैसे अंग्रेज इतिहासकार आपके, ठीक है, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो है आपका इसे जो है विदेशी नागरिक के तौर पर प्रचलित कर दिया, या फिर ये कह दिया कि आर्य लोग क्या थे? विदेशी थे। लेकिन हाल फिलहाल जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार यह प्रमाण मिल रहा है कि ये जो थे ये आपके विदेशी नहीं होकर के क्या थे? तो ये भारतीय मूल के ही या भारत के ही निवासी थे। ठीक है, उनका अपना मत रहा होगा इस बात को प्रस्तुत करने या साक्ष्य को बताने में, ठीक है, और भारतीय इतिहासकारों का या अभी जो इन्वेंशन हो रहा है आपका उसके अपने मत होंगे। लेकिन दोनों ही मत में कंट्राडिक्शन है आपके। अभी तक जो है आपका यही बताया जाता रहा है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वे आपके विदेशी थे, और इसमें भी सर्वाधिक प्रचलित जो मान्यता आपकी है वो कौन सी है? तो वो मैक्स मूलर वाली है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि मध्य एशिया के निवासी थे, और अधिकांश एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो ऑप्शंस आपका होता है बच्चे, वह किसे लेकर चलता है आपका? तो इसे ही लेकर चलता है, यानी कि मैक्स मूलर को ही लेकर चलता है। यानी कि वे भी क्या मानते हैं? तो वे भी ये मानते हैं कि आर्य जो थे ये
मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन जब इतिहास को फिर से लिखा जाएगा, इतिहास में जब बदलाव किया जाएगा, तो इसकी संभावना है कि वहां पे इस बात का वर्णन किया जाए कि आर्य जो थे यह विदेशी नहीं थे, बल्कि यह भारतीय लोग ही थे, या भारत के ही मूल निवासी थे। तो बच्चे अगर ऐसा होगा तो फिर से उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से आगे चर्चा करते हैं। चले बच्चे, तो हम लोग आर्य लोग कहां के निवासी थे ये देख चुके हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आर्य लोग जब भारत आए, ठीक है, तो इन्होंने भारत में कहां अपना निवास स्थल बनाया था। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आर्य लोग आकर कहां बसे थे। तो चलिए अगर हम लोग यहां से आर्यों का निवास स्थान भारत के बारे में बात करते हैं आपका, ठीक है, देखते हैं जरा कहां है निवास स्थान, कहां भारत में, है ना। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि भारत में इन्होंने, देखिए ये आपका पूरब, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण, है ना, ठीक है। तो भारत में इन्होंने ये जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका, उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, इसे ही क्या बनाया, अपना निवास स्थल बनाया, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको पता है बच्चे कि कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, तो यहाँ पे आपकी सैंधव, है ना, कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है, या हम सिंधु नदी इसे कहते हैं, सिंधु एवं इसके साथ ही साथ सात छह और नदियां थी, ठीक है। तो सिंधु एवं कह सकते हैं इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो सिंधु एवं सात नदियों की भूमि, देखिए सात नदियों की भूमि, और इसे क्या कहा जाता था आपका, तो इसे सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। और सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ क्या होता है, तो सिंधु एवं सात नदियों की भूमि, है ना। तो ये जो आपके हैं, ये लोग जो है इन्होंने अपना निवास स्थल कहां बनाया था, तो अपना निवास स्थल इसी क्षेत्र को, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया था। हाँ, ये उत्तर वैदिक काल में इनका प्रस्थान जो है उत्तर भारत की ओर हो जाता है, यानी कि इस क्षेत्र की ओर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन्होंने अपना जो है निवास स्थल यहां से विस्तृत करते करते कहां तक पहुंचा दिया था आपका, तो उत्तर भारत तक पहुंचा दिया था। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम ये चर्चा कर लेते हैं कि भारत में इनका निवास स्थल कहां था, तो सबसे पहले आपका सप्त सैंधव प्रदेश में था, ठीक है। और ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा इलाका है, तो ये आपका पंजाब वाला, है ना, वर्तमान समय का जो पंजाब वाला इलाका है वो इलाका, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि पंजाब का बच्चे सिर्फ 1/4 इलाका ही क्या आपका, या एरिया ही वर्तमान समय में भारत में, बाकी का हिस्सा आपका पाकिस्तान में चला गया है। तो ये लोग जब आए थे तो इसी पंजाब में आकर बसे थे, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इस सभ्यता के लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वे कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। बच्चे कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यानी कि संस्कृत भाषा का जनक किसे माना जाएगा आपका, तो वो आर्यों को ही माना जाता है। यानी कि ये लोग ही क्या करते थे, तो संस्कृत भाषा को बोलते थे, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यहां से इस सभ्यता के बारे में चूंकि चर्चा कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो इसके बारे में और भी कई सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे इसके बारे में हम एक चर्चा और कर लेते थोड़ा सा कि ये लोग आपका आए थे भारत, ठीक है, कहां से आए, तो मध्य एशिया से, ठीक, लेकिन कैसे होकर आए थे ये समझिए बच्चे। तो ये लोग जो है आपका, ये देखिए ये आपका ऐसे भारत वाला पोर्शन है ना, ऐसे, ठीक है, ये आपका भारत का हिस्सा, और यहीं पे आपका इस साइड आपका अफगानिस्तान का हिस्सा। तो ये आपका इसी क्षेत्र से चलते हुए खैबर दर्रे के जरिए, कौन से दर्रे के जरिए, तो खैबर दर्रे के जरिए, और ये खैबर दर्रा कहां पड़ता है, तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला में, है ना, कौन से पर्वतमाला में, हिंदू कुश
पर्वतमाला में पड़ता है ना। तो इसी खैबर दर्रे के जरिए जो है ये भारत आए थे, और इस बात के प्रमाण जो है कहां से मिलते हैं, तो इस बात के प्रमाण जो है ईरान की एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है जैंद अवेस्ता। क्या नाम है बच्चे? तो जैंद अवेस्ता नाम है ना। तो इसी जैंद अवेस्ता में इस बात का वर्णन किया गया है कि आर्य लोग जो थे ये मध्य एशिया से ये खैबर दर्रे के जरिए होते हुए भारत में आए थे। तो बच्चे अब आप लोग समझ गए होंगे ठीक है कि इनका प्रवेश कहाँ हुआ था, और इन्हीं के नाम पर जो है यानी कि इन्हीं आर्यनों के नाम पर जो है हम लोग भारत को एक नाम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से, इन्हीं के नाम पर भारत का एक नाम क्या पड़ा है आपका यहाँ से, तो आर्यावर्त पड़ा है। तो बच्चे अब तक आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं ठीक है। तो चलिए अब जरा सा हम लोग इसे विभाजित कर लेते हैं, और इसके विभाजन के अनुसार जो है इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए तो हमने अभी आपको क्या कहा था कि इसे दो पार्ट्स में विभाजित किया गया, कौन कौन सा? एक आपका है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तर वैदिक काल ठीक है। तो चलिए अब हम जरा सा इसे ये भी समझ लेते हैं कि इसे पूर्व वैदिक काल क्यों कहते हैं और इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं। तो बच्चे इसे पूर्व वैदिक काल, पूर्व का मतलब क्या होता है आपका? पूर्व का मतलब होता है पहले है ना, और वैदिक काल समझ रहे हैं। चलिए उत्तर का मतलब होता है बाद में है ना, बाद। तो देखिए जो पहले वाला सेक्शन था आपका यानी कि जो वैदिक काल का जो पहला हिस्सा था आपका उसे आपका पूर्व वैदिक काल कहा गया, और जो बाद का काल था उसे आपका उत्तर यानी कि बाद का काल या बाद वैदिक काल आपका कहा गया आपका। जिसे क्या कहेंगे? बाद वैदिक काल के स्थान पर उत्तर वैदिक काल कहेंगे, और जिसे पहले वैदिक काल के स्थान पर क्या कहेंगे? तो पूर्व वैदिक काल कहेंगे। तो बच्चे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपका यहाँ से इसे पूर्व वैदिक काल और इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जाता है ठीक है। चलिए अब हम जरा सा इसके अन्य नाम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है, ऋग वैदिक काल है ना। इसे कौन से नाम से जाना जाता है आपका यहां से? तो ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को सिर्फ इसी नाम से जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल के नाम से। तो चलिए अब पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसे ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार वेदों में से एक जो आपका काफी प्रमुख वेद था आपका यहाँ से, और सबसे पहले उसी वेद की रचना की गई थी। तो वो वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग वेद है ना। ऋग वेद की रचना जो आपकी की गई है वह आपकी इसी कालखंड में यानी कि पूर्व वैदिक काल के दौरान ही की गई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं आपका कि 1500 से लेकर के 1000 BC के मध्य में इस पुस्तक की या इस वेद की रचना की गई थी, और इसी कारण से इसे हम लोग ऋग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि ऋग वेद की रचना इसी कालखंड में हुई थी, इसलिए इस कालखंड को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और बाकी के जो तीन वेद हैं आपके कौन कौन से? तो वो है सामवेद, यजुर्वेद और एवं अथर्ववेद है ना। इन तीनों की जो रचना की गई है आपकी वह कब की गई है? तो वह आपकी उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 BC से 600 BC के मध्य में की गई है ठीक है बच्चे। तो देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व काल पूर्व वैदिक काल की अवधि कितनी है, तो कितनी हो गई? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अवधि कितनी है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी
पूर्व, ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाए आपकी कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, तो कौन से काल में, पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, और ऋग वैदिक काल की अवधि क्या है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व है। और इसी तरीके से सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का रचना काल क्या है, तो इसका रचना काल है आपका 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। तो बच्चे अब तक आप लोग को यहां से ये समझ में आ गया है कि वैदिक सभ्यता जो थी आपकी, वह भारत की दूसरी प्राचीन सभ्यता है। इसके साथ ही साथ इसके निर्माता कौन थे, वे लोग कहां से आए थे, और कितने भागों में इसे बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा सा यहां से पूर्व वैदिक काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और भी प्राप्त कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा सा, देखिए और समझिएगा, हम लोग किसी भी काल के बारे में बात करें, चाहे हम सिंधुवादी सभ्यता काल के बारे में बात करें, ठीक है, या वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें, या फिर मध्यकालीन समाज के बारे में बात करें, या आधुनिक समाज के बारे में ही बात करें, ठीक है। हमारा जो ये समाज है आपका, इसका वर्गीकरण होता है आपका, इसका वर्गीकरण आपके विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं। जैसे आपका समाज का वर्गीकरण जो है सामाजिक आधार पर भी किए जाते हैं, इसका वर्गीकरण आपका राजनैतिक अधिकार, राजनैतिक वर्गीकरण के आधार पर भी किया जाता है, इसका वर्गीकरण आपका आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी किया जाता है, और इसका वर्गीकरण आपका धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भी किए जाते हैं। तो वैदिक काल या वैदिक काल को भी क्या था आपका ऐसे, तो वैदिक काल का भी विभाजन किया गया था, यानी कि वैदिक काल के समाज का विभाजन किया गया था, है ना, या फिर यू कह सकते हैं कि वैदिक काल का क्या था, समाज विभाजित था। तो वैदिक काल का समाज जो है आपका, वो किस तरीके से विभाजित था और कितने भागों में विभाजित था, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वैदिक काल का जो समाज था वह आपका चार वर्गों में आपका विभाजित था, या चार वर्ण भी इसे हम कह सकते हैं। देखिए क्या काम है कि ये जो था आपका, यहाँ से चार वर्गों या चार वर्ण में विभाजित था। उस समय आपका वर्ग नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, उस समय आपके वर्ण होते थे। क्या होते थे आपके यहाँ से, तो वर्ण होते थे। और ये चारों वर्ण कौन कौन से, तो आपको याद होगा कि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताया था, तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या थी आपकी, मुख्य रूप से चार वर्णों में विभक्त थी। और वे चार वर्ण कौन कौन थे, तो चलिए इसके लिए आपको हमने एक कोड भी बताया था, लेकिन इसकी चर्चा हम एक बार फिर से यहां से कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने कोड क्या बताया था आपका, वच्छ वैसु, है ना, तो वा से क्या हो जाएगा, वा से होगा ब्राह्मण। चलिए उसके बाद छा से क्षत्रिय, वैसे वैश्य, और सा से शूद्र, है ना। तो जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता चार वर्णों में विभक्त थी, ठीक उसी तरीके से वैदिक सभ्यता भी जो थी आपकी, ये भी चार वर्णों में ही विभक्त थी। लेकिन यहाँ पे विभाजन का जो स्वरूप था उसमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अंतर कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब हम ऋग वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब कौन से टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बोलते हैं, तो इसमें कौन सा टाइम पीरियड हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे 1000, है ना। चलिए अब यहाँ से 1000 से कितना, तो 600 BC, ये आपका टाइम पीरियड अलग हो जाता है आपका, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड अलग हो गया आपका ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ आपकी विभिन्नता जरूर होगी, कुछ ना कुछ समानताएं जो होगी वो क्या होगी आपके यहाँ से, अलग होगी। यानी कि कुछ चीजें हैं जो दोनों एक दूसरे से क्या होगी आपके यहाँ से, विपरीत होगी। जैसे हम जिस समाज के बारे में यहाँ से बात कर रहे हैं, या समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता का जो समाज है आपका यहाँ से, वो चार वर्णों में विभाजित है, सही है। चार वर्णों में आपका ये पूर्व वैदिक काल में विभाजित था और उत्तर वैदिक काल में विभाजित था, लेकिन इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ, देखिए हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब आपको बताया था, तो हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी का समाज जो था वो भी आपको चार वर्ण विभाजित था, ठीक है। और वो चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था
कि वहां पर जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करते थे, ठीक है, वे उस वर्ण के अंतर्गत आते थे या उन्हें रख दिया जाता था या उसमें शामिल कर लिया जाता था। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि हम जो है वैश्य हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है पूजा पाठ करवाते थे या पूजा पाठ मैं करवाने लगा, तो मुझे कौन से वर्ग के अंतर्गत रख दिया जाता उस समय, तो उसे ब्राह्मण के अंतर्गत रख दिया जाता। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि मान लिया जाए कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ठीक है, और मेरा जन्म जो है यहां से किसी वैश्य परिवार में होता है। किस परिवार में होता है? तो वैश्य परिवार में होता है, ठीक है, लेकिन मैं वैश्य का कार्य ना करके क्या करता हूं, तो ब्राह्मण का कार्य करता हूं, यानी कि मैं पूजा पाठ वगैरह करवाने का क्या करने लगता हूं, काम करने लगता हूं, ठीक है, तो मुझे किसमें रख दिया जाएगा, मुझे वैश्य की श्रेणी से बाहर कर ब्राह्मण की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। किसमें शामिल कर दिया जाएगा? तो ब्राह्मण की श्रेणी में। ठीक इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में होता, परिवार में होता, लेकिन मैं जो है साफ सफाई का कार्य करता, ठीक है, लोगों की सेवा करने का कार्य करता, तो मुझे कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रख दिया जाता? तो मुझे शूद्र वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रख दिया जाता। तो इससे सीधा मतलब ये निकल कर आ रहा है कि उस समय ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये अस्थायी नहीं थी। व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था, यानी कि जिस प्रकार का वो कार्य करता था, उसके अनुसार उसके वर्ण का क्या होता था, तो निर्धारण होता था। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके से वर्ण का निर्धारण होता था, और ये सारी चीजें जो है आपकी पूर्व वैदिक काल में मौजूद थी, यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी समाज चार वर्ण में ही विभाजित था, ठीक है, और यहां पर भी जो वर्ण का चयन होता था आपका, ठीक है, वह आपका कर्म आधारित होता था, यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था, ठीक है, वह जो है आपका उसी के तहत जो है उसे किसी श्रेणी में रख दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये हुआ क्या कि यहां पे जो वर्ण व्यवस्था था उसने अपना कठोरतम स्वरूप जो है वो ग्रहण कर लिया, और इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति जो है जिस वर्ण का था वह उसी वर्ण का होकर रह गया, है ना, यानी कि मान लिया जाए कि किसी बच्चे का अगर जन्म जो आपका ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण परिवार में होने होता था, ठीक है, तो वह ब्राह्मण का ही हो गया, ठीक है, यानी कि उसकी कुल जो है या पीढ़ी जो है आगे ब्राह्मण ही कहलाती चली गई। ठीक इसी तरीके से जिस बच्चे का जन्म क्षत्रिय में हुआ आपका, ठीक है, वो जो है आपका क्षत्रिय वर्ण का ही होकर रह गया, जिसका जन्म आपका वैश्य में हुआ वो वैश्य होकर रह गया, और जिसका जन्म आपका शूद्र में हुआ वे आपके शूद्र में ही होकर रह गए, ठीक है, वे किसी भी प्रकार के कार्य करने लगे उससे कोई अंतर नहीं आया आपका यहां से। एक सीधे सवाल ये समझिए कि उन्होंने मान लेते हैं शूद्रों ने ब्राह्मण का कार्य कर लिया हो या क्षत्रिय का या वैश्य का कार्य कर लिया हो, ठीक है, लेकिन इसके इनके वर्णिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आया था। तो ये बच्चे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये साबित कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्ण व्यवस्था जो थी आपकी इसने अपना कठोरतम स्वरूप ग्रहण कर लिया था, और यहीं से कहीं ना कहीं ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें जो है आपकी बुराइयां आने आरंभ हो गई, यानी कि अभी तक जो था आपका यहां से हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसमें वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं अपने लचीले स्वरूप में मौजूद था, लेकिन ये जो अब यहां से उत्तर वैदिक काल जो आया आपका इसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो अपने कठोरतम स्वरूप को ग्रहण करती हुई चली गई, और ये हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि इसका दुष्परिणाम जो है हम लोग आज तक देख रहे हैं। बच्चे आज भी हमारे समाज में वर्ण और वर्ग के आधार पर वही वर्ण सिस्टम क्या हो गया है, अब वर्ग सिस्टम हो चुका है, यानी कि कैटेगरी जिसे हम लोग कहते हैं ना, ठीक है, ये आपका यही वर्ण व्यवस्था ही प्राचीन काल में थी, और ये जो है आपका कैटेगरी सिस्टम है ये हमारे समाज में एक बुराई बन चुकी है, ठीक है, इसके कारण काफी ज्यादा नुकसान जो है हमारे समाज को और हमारे देश को ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आपकी कहीं ना कहीं वो उत्तर वैदिक काल से ही हो जाती है। तो बच्चे अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि ये समाज जो था आपका कितने वर्णों में विभाजित था और वे वर्ण कौन कौन से थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस सभ्यता की कुछ और भी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए बच्चे, ये जो सभ्यता थी आपकी, ठीक है, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि इसका स्वरूप कैसा था, तो इसका स्वरूप आपका ग्रामीण था। जबकि हमने इसके पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हमने बताया था आपको कि ये जो सभ्यता है आपकी, ये कैसी सभ्यता है आपकी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन ये सभ्यता क्या थी आपकी, कैसे थी आपकी, तो ये सभ्यता ग्रामीण थी। यानी कह सकते हैं आपका कि एक तरीके से आपका विकास होना चाहिए था, लेकिन विकास ना होकर के क्या हुआ यहाँ से, तो उस समय का समाज थोड़ा सा और भी पीछे चला गया था। क्योंकि नगर जो होते हैं वे कहीं ना कहीं विकास के क्या होते हैं, तो वे विकास के प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो बच्चे आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सभ्यता के बारे में चर्चा जारी रखेंगे और कई नई सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चे। तो बच्चे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।